हेलो बच्चों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया था कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन के आधार पे क्या क्या होता है। तो इसके बारे में अब मैं बताता हूँ आपको धनायन के बारे में, यानी कि क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। धनायन कहलाता है क्षारीय मूलक और ऋणायन कहलाता है अम्लीय मूलक। तो इनमें धनायन जो है, जो कैटायन कहलाते हैं, ये एक बल एक संयोजी होते हैं मोनोवलेंट, और बाइवलेंट होते हैं, ट्राइवलेंट होते हैं, टेट्रावलेंट होते हैं। टेट्रा इसका मतलब, मोनोवलेंट का मतलब एक संयोजी तत्व, यानी कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, कम करने के लिए या अधिक करने के लिए, या एक इलेक्ट्रॉन उनसे कम हो जाता है या एक इलेक्ट्रॉन में ग्रहण कर लिया जाता है, तो वो ऐसे तत्व एक संयोजी यानी कि मोनोवलेंट कहलाते हैं। दूसरे दो संयोजी जिनके बाह्यतम कोश से दो इलेक्ट्रॉन खो दिए जाते हैं, तो वो दो संयोजी कहलाते हैं, बाइवलेंट कहलाते हैं। इसी प्रकार से त्रिसंयोजी एल्यूमिनियम, जैसे लिखा है एल्यूमिनियम आयन, तो इसमें से तीन आयन जो है बाह्यतम कोश से लूज हो जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं त्रिसंयोजी। जैसे मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ, जैसे सोडियम है Na, Na का परमाणु क्रमांक 11 है, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें 2, 8, 1 है, तो इसका जो संयोजी कोष है के एल और एम संयोजी इसका कोष है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस संयोजी कोष से त्याग देता है, तो इसके ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धनायन बन जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, मोनोवलेंट हो गया, ठीक है। और एक डाइवलेंट का उदाहरण देता हूँ, जैसे मैग्नीशियम है, इसके बाह्यतम कोश में 2, 8, 2, यानी कि के और एल और एम ये कोश है, तो एम कोश संयोजी कोश है, यानी इसको बाह्यतम कोश कहते हैं। अगर इस कोश से ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इस पर दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी दाता पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो ग्रहण करता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। इसी प्रकार से मैं त्रिसंयोजी में एक उदाहरण दे दूँ मैग्नीशियम का, जैसे एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम के परमाणु क्रमांक 13 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3, तो कोश के एल एम संयोजी कोश कौन सा हो गया, एम कोश है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तीन इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है, तो इस पर 1, 2, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पर दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और तीन पर तीन। इसी प्रकार से जो चार इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर चार यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है। एक वाले को मोनोवलेंट कहते हैं, दो वाले को बाइवलेंट, और तीन इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले को ट्राइवलेंट, और चार इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले को टेट्रावलेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये आयन और फिर संकेत और संयुक्ताएं लिखी, तो इनका मेन जो उद्देश्य है मेरा ये समझाने का है कि आपको अगर परमाणु क्रमांक किसी तत्व का नहीं आता और उसका प्रतीक नहीं आता, नंबर एक परमाणु क्रमांक, पहले प्रतीक, फिर परमाणु क्रमांक, और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे सोडियम का कितना है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो दो इसमें तीन कोश बने के एल और एम, के कोश में दो इलेक्ट्रॉन है और एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाह्यतम कोश में है, संयोजी कोश में है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को ये त्यागेगा, इसलिए इस प्रकार से ये हमने बनाए मोनोवलेंट्स, जितने भी आयन हैं एक संयोजी आयन। तो आप देखिए हाइड्रोजन आयन का क्या है, H पॉजिटिव चार्ज है, इसका संकेत पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसकी संयुक्ता क्या हुई, एक। यह मैंने नोट में लिखा है, आयन की संयुक्ता उसके आवेश के बराबर होती है। हाइड्रोजन आयन पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी संयुक्ता क्या हुई, एक। ऐसे सोडियम आयन के एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पर संयुक्ता इसकी क्या हुई, एक। तो इतने इसके बाद द्विसंयोजी आयन का देखिए, जैसे मैग्नीशियम है तो Mg पर दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर आवेश कितना है, दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी, +2, ठीक है।
ठीक इसी प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ त्रिसंयोजी आयन यानी कि एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही निकालिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p1, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 1, 13, तो यहाँ परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉन भी 13 हो गए, तो 2, 8 और 3, तो कोष कौन से हो गए, K, L, M, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इस पर जब 3 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो इस पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसकी संयुक्तता कितनी हो गई, अब आवेश कितना हुआ, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ, और इसकी संयुक्तता कितनी हो गई, 3, यानी संयोजन क्षमता, संयुक्तता को संयोजन क्षमता भी कहते हैं, वैलेंसी अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये मैंने आपको बताया इसके, अब मैं बताता हूँ ये हो गया धनायन मोनोवलेंट वाले क्षारीय मूलक के बारे में। अगला क्षारीय मूलक के बाद आता है अम्लीय मूलक, ठीक जैसे क्लोरीन लिखा है तो क्लोरीन जो है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, तो जोड़ लेते हैं 3p5, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 5, 17, तो 2 कोष हो गए इसके, 2, 8, 7 यानी K, L, M, के कोष में 2, L कोष में M, तो L कोष में 8 और M कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनिक बनता अधिक होने के कारण 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक बनता अधिक है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करेगा, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, इससे पहले सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, यानी कि क्लोरीन क्या है, ग्राही है, और ग्राही होते ही इसका नाम बदल जाता है, इसको कहते हैं क्लोराइड आयन, पास हो गई, क्या कहते हैं, क्लोराइड आयन, तो इसकी संयोजन क्षमता कितनी है, 1, तो ये हो गया मोनोवलेंट आयन। इसी प्रकार से अब जैसे इसमें ये जो एक तत्व जो है, एक परमाणु जो आयन के रूप में जो भाग ले रहा है, तो उसे हम कहते हैं साधारण आयन, जिनमें एक से अधिक, जैसे यहां दिया है NO3 दिया है, तो NO3 में एक से अधिक परमाणु, दो परमाणु, दो तत्व भाग ले रहे हैं, तो देखिए इसको इस प्रकार से बनाना, नाइट्रोजन इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 14, तो इसके बाह्यतम कोष में 1s2 करके निकाली, 1s2, 2s2, 2p6 तो और 3s, सॉरी गलत बोल दिया, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7, तो 1s2, 2s2 और 2p3, तो 2, 2.5, के और एल, एल कोष में इसके हम कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, एल कोल कौन सा है, संयोजी कोष है, तो मैंने लिख दिया एन 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना है, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन का एक परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8, 1s2, 2s2, 2p6 की 2, 2, 4, तो यहाँ कितना आएगा, 8, 2.6, तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो यहाँ देखिए नाइट, इसमें नाइट्रेट के अंदर, नाइट्रेट आयन के अंदर ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो हमने ऑक्सीजन का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और दूसरा परमाणु 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गए, तीसरे परमाणु को एक ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से मिला, इसमें बच गया 1, इसलिए ये
चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण, पांच इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए गए, एक बचा, इसलिए नाइट्रेट की संयुक्तता कितनी है, एक। तो ऐसे आयन कहलाते हैं बहु परमाणु आयन। तो इस प्रकार से निकालेंगे, तो ये एक तरीका बताया गया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ इसी प्रकार से एक और उदाहरण देता हूँ सल्फेट का। सल्फेट ट्राइवेलेंट है, सॉरी डाइवेलेंट है, जो सल्फेट आयन। तो सल्फर के बाह्यतम कोष में छह इलेक्ट्रॉन, छह हो गए। सल्फर सल्फेट में ऑक्सीजन के कितने परमाणु सहयोग कर रहे हैं, चार। तो एक परमाणु दो इलेक्ट्रॉन की उसे आवश्यकता है, दूसरे को दो, तीसरे को भी दो, चौथा इलेक्ट्रॉन इस पर, चौथे परमाणु पर दो इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो इस प्रकार से इस सल्फेट की संयोजन क्षमता कितनी होगी, दो। तो सल्फेट क्या है, बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट आयन है। अगला एक और दिखा रहा हूं मैं आपको बहु परमाणु आयन का उदाहरण, जैसे फास्फेट। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है और 1s2 करके निकालेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 3 15 ऐसे गिन लेते हैं, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहले मैंने आपको समझाया था इसमें, अगले वीडियो में, इससे पहले वाले में, तो 3p6 आ गया, तो आया 2 8 और 5। तो संयोजन क्षमता इसकी, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो फास्फोरस के मैंने लिख दिया 5, 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन खोएगा। और ऑक्सीजन कितने इस परमाणु में, इसके PO4 में 4। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दूसरा परमाणु 2, तीसरा परमाणु भी 2, चौथा परमाणु भी 2। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए गए, अभी बच कितने गए, 1 और 2, 3। 3 इलेक्ट्रॉन बच गए जो ग्रहण करने हैं इनको, इसलिए फास्फेट पर कितनी हो गई संयोजन क्षमता, 3। तो फास्फेट आयन की संयुक्तता कितनी हो गई, 3। तो ये हो गए ट्राइवेलेंट। अगली बात, आप सूत्र बनाना सीखिए इसके साथ साथ। तो ट्राइवेलेंट और टेट्रावेलेंट, जैसे कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन खोता है तो इस पर चतुसंयोजी आयन होगा कार्बन, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो चतुसंयोजी आयन है ये ऋणात्मक, तो इसे हम कार्बाइड आयन कहते पढ़ते हैं। तो जितने भी जो साधारण आयन हैं इनके नाम में परिवर्तन, मूल नाम से आयन बनाने में इनके नाम में परिवर्तन आ जाता है, और जबकि क्षारीय मूलकों के नामों में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मैंने बनाया सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम सोडियम, अब देखो क्लोराइड यहाँ है, क्लोराइड लिखा हुआ है, तो सोडियम की संयोजन क्षमता कितनी है, यहाँ देखिए आप सोडियम आयन की संयोजन क्षमता 1 और क्लोराइड आयन की संयोजन क्षमता 1। तो हमने ये इस प्रकार से इसको हमने बना दिया, ये बना लिया हमने सोडियम क्लोराइड NaCl, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, सही है। तो पहला धनात्मक तत्व, इसलिए हमने सोडियम लिख दिया, और जो ऋणात्मक जो तत्व है यानी कि जो क्लोराइड आयन है, तो हमने यहाँ क्लोराइड लिख दिया, तो ये कहलाएगा सोडियम क्लोराइड, एक अणुसूत्र बन गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। दूसरा देखिए, मैं वहां बनाता हूं आपको, यहां पर बना दे रहा हूं पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना दे रहा हूं। तो पोटेशियम का 1 और बाइकार्बोनेट HCO3, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, क्रॉस कर दिया, एक से एक कट गया, तो पोटेशियम KHCO3। और नाम क्या हो गया, पहला क्या नाम था, पोटेशियम लिख दिया, पोटेशियम और इसका नाम क्या है, ये मूलक कौन सा है, अम्ली मूलक का नाम है बाइकार्बोनेट।
बाइकार्बोनेट। तो हमारा अणुसूत्र बन गया, ये पूरा क्या बन गया, एक यौगिक का अणुसूत्र बन गया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो इस प्रकार से हम इनको सूत्र अणुसूत्रों को बनाते हैं, यानी आयनिक सूत्र लिखने का ये एक तरीका है। अभी एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, देखिए जैसे मैंने यहां पे ले लिया स्टेन, ये ले लिया मैंने मैग्नीशियम आयन, तो मैग्नीशियम आयन Mg, इस पर दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से मैं लेता हूं मैग्नीशियम के साथ फास्फेट आयन लेता हूं, दूसरा मैंने ले लिया फास्फेट आयन PO4, दो निगेटिव, तीन यूनिट निगेटिव चार्ज, तो दो है। अब इनका मुझे अणुसूत्र बनाना है, इस पर आवेश कितना है दो, तो मैंने दो लिख दिया, इस पर आवेश कितना है तो तीन, तीन लिख दिया मैंने, इसको इस प्रकार से कैंची गुणा कर दी, संयोजन क्षमता मैग्नीशियम की यहाँ तीन कर दी, Mg की तीन, PO4 क्योंकि ये बहुपरमाणु का आयन है तो इसलिए PO4 का होल ट्वाइस लिखेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहले का नाम क्या था देखो यहाँ, मैग्नीशियम, मैंने लिख दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद दूसरा आयन क्या लिया था, फास्फेट, ये लिखा फास्फेट, तो इसका नाम हो गया मैग्नीशियम फास्फेट। तो ये जो आयनिक सूत्र है इसका नाम हो गया मैग्नीशियम फास्फेट। तो इस प्रकार से हम इनके आयनिक सूत्र लिखते हैं। अब यहीं पर एक और बात छोटी समझ लीजिए, जैसे मैंने ये दो बनाए मैग्नीशियम फास्फेट और ये, तो इनको अगर मैं समीकरण में बदलना चाहूँ तो सरलता होगी इसी प्रकार समझने में। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, मैंने लिख दिया सोडियम क्लोराइड NaCl, अब मैंने इसकी रासायनिक अभिक्रिया करा दे रहा हूँ मैं सोडियम क्लोराइड की, सिल्वर अगला लेते हैं, जिंक सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट ZnSO4, ये लिखा हुआ आपको मिला कॉपी में या कोई पेपर में मिला मान लीजिए, तो आप देखिए यहाँ पर सोडियम पर आयन कितने हैं, यहाँ देखिए सोडियम पर एक पॉजिटिव आयन चार्ज है तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखिए क्लोरीन पर, क्लोराइड आयन पर कितना, एक यूनिट निगेटिव चार्ज मैंने ये लगा दिया। अब देखिए जिंक पर, जिंक आयन पर कितना, एक यूनिट, दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने ये दो लगा लिए। और इसके बाद कौन सा बनाया, सल्फेट, सल्फेट इस पर कितना, दो यूनिट निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखिए आयन की संयुक्तता इसके आवेश के बराबर होती है, तो मैंने ये आवेश लगा लिए। अब देखिए इसको मैंने इसके साथ अभिक्रिया करा दी, पहले यौगिक का धन आयन दूसरे यौगिक के ऋण आयन के साथ मैंने अभिक्रिया कराई, तो वो Na यहाँ लिख दिया आपको एक, SO4 में लिख दिया दो, दो आयन है ना, दो संयुक्तता होगा इसकी, तो ये लिखा जाएगा Na2SO4, ठीक है। अब मैंने जिंक की क्लोरीन के साथ कराई, तो जिंक ZN दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, संयोजन क्षमता दो हो गई, SO4 दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो दो लिख दिया, दो से दो कट गया, यहाँ लिख दिया ZN, मेरे कुछ गलत कर दिया, ये सॉरी क्लोरीन से कराना था, यहाँ किससे कराना था, क्लोरीन से Cl, तो क्लोरीन की संयोजन क्षमता कितनी है एक, और ZN की कितनी संयोजन क्षमता है दो, तो ये मैंने इसको लिख दिया ZnZnCl2। अब नाम की बात आई, तो यहां देखिए पहला नाम इसका था सोडियम, थोड़ा नीचे लिखूंगा यह समझ में आ जाएगा आपको, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, और दूसरा कौन सा है, जिंक सल्फेट। आप देखिए सोडियम पर कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है प्लस, क्लोरीन पर कितना है एक, क्लोराइड पर, जिंक पर कितना, दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट पर, ये मैंने हिंदी में इसका नाम लिख दिया।
और सोडियम से फास्फेट की क्रिया कराई तो क्या बनेगा, सोडियम की सल्फेट से क्रिया कराई तो यौगिक का नाम बन गया सोडियम सल्फेट। तो इस यौगिक का नाम हुआ सोडियम सल्फेट। अब दूसरा हमने क्रिया किससे कराई, जिंक की क्लोराइड से, तो इसका नाम, इस यौगिक का नाम हो गया जिंक क्लोराइड। समझ गए, इस यौगिक का नाम क्या हो गया, जिंक क्लोराइड। अब इसको संतुलन करना रहता है तो सोडियम के परमाणु कितने हैं, दो, तो मैं यहां दो से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, दो अणु के आगे। तो अब देखिए क्लोरीन के कितने होगा इसमें, सोडियम भी दो परमाणु है, क्लोरीन के भी दो परमाणु है, तो यहां पर क्लोरीन के दो परमाणु, इधर सोडियम के दो परमाणु, ये बैलेंस हो गया। जेडन का यहाँ एक परमाणु है और सल्फेट आयन जो है इसके भी एक ही बहुपरमाणु है और एक अणु है इसका। तो ये इस प्रकार से समीकरण बनाना भी इसी के आधार पर सरलता से आप सीख सकते हैं। इसके अगला पार्ट जो है इसकी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इससे पहले वाला मैंने दो तीन वीडियो बनाई, नंबर एक आबाव के नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना और आप कैसे संयोजन क्षमता निकालते हैं, दूसरा एक वीडियो मैंने आपको ये बना के दिखाई जिसके अंदर आपको आयनों के बारे में बताया। इसके बाद अगली सीरीज फिर आगे देखेंगे। धन्यवाद। 21 मिनट।